दूसरे समुदाय के लोग कहते हैं कि हम लोग जो है मतलब अपना कानून शरीयत के हिसाब से कानून मानेंगे, ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप लोगों को बंटवारे के आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया था, आप लोग जो है अब यहाँ जो है रह करके भी आप कहते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से इस्लाम के हिसाब से चलेंगे। इनके बाप की संपत्ति है क्या ये देश? ये जहां चाहे जो चाहे वो वहां कब्जा करेंगे? हम लोग इसी सभी इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम लोग 5 कानूनों की मांग कर रहे थे सरकार से, और हमारे आह्वान पर पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंचे वहां पर। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हर हिंदू वहां पहुंचा। तो ये और वहां उस भीड़ में जी, कोई भी लोग हो सकते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने कोई नारा लगाया है, मैं मानता हूं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी नारा लगाने वाले हैं। अच्छा, जब ये बात आप कह रहे हैं पिंकी तो चौधरी, आह्वान पर है ना भाई, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी? मतलब जब आप मानते हैं कि ये ठीक नहीं है तो आपके चेहरे पर स्वभावगत तरीके से वैसे भाव नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप अभी भी हंस रहे हैं इस बात पर। मैं इसलिए कहता हूं, जब ओवैसी कहता है कि 15 मिनट का समय दे दो हम सभी हिंदुओं को कत्ल कर देंगे, और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, और मौलाना साद जो केवल और केवल हिंदुओं को काटने की बात करता है, हिंदू को समाप्त करने की बात करता है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, और कार्रवाई हम पर, हम हिंदू हैं तो इसलिए हम पर कार्रवाई। मेरे घर पर 50 पुलिस वाले कल गए, कोई महिला पुलिस नहीं थी, बदतमीजी की उन्होंने, उन्हें क्या अधिकार है बदतमीजी करने का? कभी मौलाना साद के यहां जाके इन्होंने बदतमीजी की? कभी ओवैसी के यहां, सुवर के यहां जाके इन्होंने जो है बदतमीजी की? ये पुलिस हिंदू को ही टारगेट करती है, क्यों? कारण क्या है भाई? क्या कारण है बताइए, क्या कारण? नहीं बताइए, पुलिस जवान सभी युवा, हाँ बताइए क्यों पुलिस हिंदुओं को टारगेट करती है आपकी नजर में? बताइए, आज एक्सप्लेन कर ही दीजिए आप। ये हम लोगों को कमजोर मान रही है क्या? पुलिस प्रशासन हमें कमजोर मानता है क्या? शासन प्रशासन क्या समझता है? इन्होंने मौलाना साद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आप मुझे ये बताइए? इन्होंने जामा मस्जिद का इमाम, जिस पर इतने मुकदमे हैं, आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, वो केवल और केवल वहां जाकर के जामा मस्जिद में, आप लोगों को बता रहा हूं, अगर हम हिंदुत्व गतिविधि करते हैं तो हम आतंकवादी हैं, हम लोग जो है कट्टरपंथी हैं, हम लोग जो है हिंसा फैलाते हैं, और अगर जामा मस्जिद का इमाम अपनी मस्जिद में बुलाकर धर्मांतरण कराता है और हिंदू लड़कियों से निकाह कराता है, वहां जाकर किसी की हिम्मत नहीं है उसे कुछ कह दे? कारण क्या है भाई? ये दोगली राजनीति हमारे देश में क्यों? कौन कर रहा है ये दोगली राजनीति? कौन कर रहा है? उस राजनीतिक दल का नाम लीजिए, उस राजनीतिक दल का नाम लीजिए। दोगली राजनीति यही शासन प्रशासन वाले कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसका अर्थ ये है कि आप लोग जो है नारे लगाएंगे वहां पर? केजरीवाल दिल्ली में हज हाउस की तैयारी कर रहा है, इतनी विशाल भूमि दे करके क्या करना चाहता है भाई? ये हज हाउस पहले भी बने थे, और हमारी बेटों बेटियों का कत्लेआम हुआ था, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे, क्या यही स्थिति ये लोग चाहते हैं यहाँ पर करने? क्या करना चाहते हैं ये लोग यहाँ पर? हम लोग इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी सांस में सांसें रहेंगी। हम इस्लाम का विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि आप इस्लाम का विरोध करते हैं और करते रहेंगे, ध्यान दीजिए अपने शब्दों पर पिंकी चौधरी, आप कह रहे हैं कि आप इस्लाम का विरोध करते हैं और करते रहेंगे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं जेहादी मानसिकता वालों का विरोध करता हूं, करता था, करता रहूंगा। नहीं, दो बातों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर है। मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं, ठीक है, लेकिन अभी अभी आप कह रहे थे कि आप इस्लाम का विरोध करते हैं और करते रहेंगे, फिर आपने कहा आप जिहादी मानसिकता का विरोध करते हैं और करते रहेंगे, ये दोनों बातें अलग अलग है, फर्क है इसमें? जितनी मैं बताता हूं आपको, आप इसमें अंतर नहीं है। अच्छा, इसमें अंतर नहीं है, जो भी कुरान के हिसाब से चलने वाला जो भी होता है वो होता है मुसलमान। इस्लाम है क्या? कुरान के माध्यम से चलने वाला एक पंथ है, कोई धर्म नहीं है, ये काय का धर्म है ये है?
क्या मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, कहे का मोहम्मद, ये कहे का मोहम्मद है जो कत्लेआम की बात सिखाता है, जो काफिरों को समाप्त करने की बात कहता है, कहे का मोहम्मद? इस मोहम्मद हम नहीं मानते, मोहम्मद मोहम्मद क्या है साला जो है। आप पिंकी चौधरी क्या कह रहे हैं आप पूरे पूरे मजहब को, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करती है, और आप पूरे मजहब को गाली दे रहे हैं यहां पे? मैं मजहब को गाली नहीं दे रहा हूं। जो काफिरों को मारने की बात करता है, जो मस्जिद और मदरसों से अल्लाहु अकबर कह करके ये कहता है कि हिंदू को यहां से भगा दो, हिंदू यहां नहीं रहने चाहिए, मैं इन लोगों के खिलाफ हूं और रहूंगा। इसका मतलब आपने नारे लगाए वहां पर, पैदा हुए हैं हम, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली में जो वीडियो में नारे लगाए थे वो लगाए गए हैं? मैं बता रहा हूं आपको, मैंने वो जैसे मैंने वो नारे सुने, आप मेरी बात समझिएगा, मैंने जो नारे सुने वो ये हैं कि जो भी है, मैं तो ये समझता हूं उसमें कहा है मुल्ले काढ़े जाएंगे, आप मेरी बात समझिए। ये तो तूल पकड़ रहे हैं, इसे ओवैसी को और कोई बात तो पाई नहीं है, ये हमारी भाषा है, ये हमारी जो है भाषा है। अच्छा, और इसमें हम कहते हैं भाई यहां से निकाल दोगे, इसे काटो यहां से, काटो यहां से। अब जैसा मैं आपको कहूंगा अरे काटो रे, काटो इन्हें, हट काटो यहां से, तो काटो का मतलब ये काटो से लगा रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं?